टुडे वी विल राइट द नंबर सिक्स कि आज हम ये सीखेंगे बेटा कि नंबर सिक्स हमें लिखना कैसे है. ओके नंबर सिक्स हमने पहचान अपनी बुक से हमने रीड किया था. नंबर सिक्स कौन सा होता है? इसे बोलते हैं हम नंबर सिक्स. ये होता है हमारा नंबर सिक्स. यहाँ हमारे पास कुछ फिशेज बनी हुई है. इन फिशेज को काउंट करेंगे और ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ फिशेज है. कैसे काउंट करेंगे? मैंने आपको काउंटिंग भी लर्न करने के लिए दी थी 1 to 6 तक की. कैसे कहाँ से काउंट करते हैं हमें? नंबर 1 से. तो काउंटिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितनी फिशेज हो गई है? 6. तो ये हमारी फिशेज हो गई 6 और दिस इज आवर नंबर 6. ये होता है हमारा नंबर 6. क्लियर? और आपको ये अच्छे से लर्न भी करनी है काउंटिंग. ठीक है, तो ये है हमारा नंबर 6. हमें इसे लिखना सीखना है कि हाउ वी कैन राइट अ नंबर 6 इन आवर नोटबुक और इन अ पेज और इन आवर राइटिंग बुक. क्लियर? सो नंबर 6 हमें राइट करने के लिए, यहाँ आपका मैथ्स की नोटबुक होती है ना बॉक्सेस वाली, यहाँ हमने एक पॉइंट लिया है. यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है. इस पॉइंट पे पेंसिल रख के आपको कैसे ड्रॉ करना है? हमें एक छोटा सा कर्व बनाना है. सबसे पहले क्या बनाना है? एक छोटा सा कर्व बनाना है. इस तरीके से कर्व ले जाते हुए आपको नीचे से उसे टर्न लेना है. यू कर्व आपको बनाना है. कर्व बनाना आता है ना आपको? पेंसिल को इस तरीके से चलाना है हमें यहां से और फिर नीचे से इस तरीके से इसे कर्व शेप में ड्रॉ करना है. एक कर्व ऊपर से आएगा फिर उसके साथ नीचे से आपको इसको ऐसे टर्न देना है. ठीक है, फिर हमें क्या करना है? ये जो हमने इसे ऊपर से ले जाते हुए स्लैंट शेप में आपने कर्व बनाया नीचे की ओर ले गए, इसी कर्व को आप ऊपर की ओर घुमाते हुए ले जाएंगे और इस लाइन से टच करवाएंगे तो ये आपका नंबर 6 बन जाएगा. कैसे बन जाएगा? ये हमारी डॉट से हमने स्लैंट शेप में ली एक कर्व लाइन ड्रॉ की जिसे हम नीचे से हमने टर्न किया और इस टर्न को हमने ऊपर इसी लाइन के साथ टच कर दिया. ये आपका बन जाएगा नंबर 6. क्लियर है कैसे ड्रॉ करना है? हमने स्लैंट शेप में लाइन का कर्व ड्रॉ किया है, उस कर्व को नीचे से टर्न दिया है और उसी टर्न को आगे बढ़ाते हुए हमने नंबर इसी कर्व लाइन के साथ टच करवा दिया तो ये हमारा बन गया नंबर 6. मैं आपको फिर से बन जाए बता रही हूँ. ध्यान से देखिए और ध्यान से सीखिए. यहाँ पॉइंट है आपका स्टार्टिंग, ये आपकी डॉट लगी है. इस डॉट पे पेंसिल रख के आपको एक स्लेंट लाइन शेप में आपको एक कर्व ड्रॉ करना है, नीचे से ऐसे घुमाते हुए ले जाना है और इसी लाइन के साथ मेन जो हमने स्लेंट कर्व लाइन ड्रॉ की थी इसी लाइन के साथ आप इसे टच करेंगे. ये आपका बनेगा नंबर 6. आपको क्लियर है और आपको इसकी लिखने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है. ठीक है, तो आज आपका होमवर्क मैथ्स में ये है बेटा कि आपको नंबर 6 बोल बोल के अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है. 1 to 6 तक के नंबर